हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक न्यू चैलेंज वीडियो, जो कि है 24 आवर्स लिविंग इन फॉरेस्ट। सो हम लोग जंगल में रहने वाले 24 आवर्स के लिए। सो गाइस, जैसा कि आप सभी ने कहा था कि इस चैलेंज में जैक को भी करना चाहिए, तो मैं भी आ गया हूँ ये चैलेंज करने। वैसे तो मुझे जंगल में थोड़ा सा तो डर लगता ही है, लेकिन क्या करूँ। अरे जैक, तुम चिंता मत करो, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम क्या मजाक कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? बढ़िया ही। खैर छोड़िए गाइस उसे। सो गाइस, इस चैलेंज के दौरान हमें दो डेयर्स मिले हैं। फर्स्ट, हमें फ़ोन या लैपटॉप कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करना है, और सेकंड ये है कि हमें खाने को नहीं मिलेगा। क्या तुम मजाक कर रही हो, हमें खाने को नहीं मिलेगा? ये कैसा चैलेंज है? अरे भूखड़ इंसान, मेरी बात तो पूरी सुन लो। सो गाइस, हमें खाने को कुछ भी बाहर से नहीं मिलेगा, हमें जंगल में ही जाना है। जंगल में अगर कोई फ्रूट हमें मिल जाएगा तो वही हमें खाना है। अगर हमें कुछ ऐसा नहीं मिलेगा तो हम भूखे रहेंगे। क्या ये कैसा चैलेंज है? मैं ऐसा चैलेंज नहीं करूंगा। अगर जंगल में कुछ हमें खाने को नहीं मिला तो? अरे भूखा इंसान, चैलेंज ले लिया है तो अब चुपचाप करो, समझे? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, मैं क्या करूं। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल में कुछ ढूंढेंगे खाने पीने के लिए। सोफिया, मुझे तो थोड़ा काम याद आ गया है, तो तुम जाकर ना खाना ढूंढ कर ला, मैं यहीं पे बैठता हूँ। ऐसी कौन सी काम याद आ गया? ऐसे ही साफ साफ बता दो ना कि तुम्हें जंगल से डर लगता है। तुम ये क्या मजाक कर रही हो, मुझे जंगल से डर नहीं लगता, मैं तो चला आज पूरी दुनिया को मैं बता दूंगा मुझे जंगल से डर नहीं लगता। उई माँ, आगे मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। हे भगवान, ये कितना बड़ा पेड़ है, दिख भी नहीं रहा कुछ। अरे हट जा भाई। गाइस, ये जैक ने पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाएगा, मैं इसको जाकर देखती हूँ। आज कुछ ना कुछ तो मैं ढूंढ। वाह गाइस, मैंने कार दिखाया, देखो मुझे खीरे मिल गए। ये देखो गाइस, कितने ब्यूटीफुल से खीर है, अभी मैं जल्दी से इन्हें तोड़ता हूँ, कितना ज्यादा प्यारा है। खाने में तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा, अभी मैं तोड़ता हूँ इसे। अरे बचा लो रे बाबा, मैं गिरने वाला हूँ, कोई तो मेरी मदद कर दो, जल्दी से आओ। सोफिया मेरी मदद करो, मैं यहाँ गिर जाऊंगा। हे भगवान, ये जैक पता नहीं कहाँ चला गया, फ्रूट ढूंढने गया था, खुद ही फ्रूट बन गया ये तो। जाकर देखती हूँ। अरे बचा लो रे बाबा, मेरी मदद करो कोई। हे भगवान जैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम इतना नीचे कैसे गिर गए? अरे बचा लो, मैं तो मर ही जाऊंगा यहाँ से गिर के। मेरी हाथ पकड़ो। अरे वाह, ये देखो हमें ककड़ी मिल गया खाने को। बेवकूफ लड़की, से ककड़ी नहीं, से खीरा बोलते हैं। अरे हाँ जो भी है, चलो इसको तोड़ते हैं और इसको खाते हैं। हाँ हाँ, मैं हूँ ही इतना स्मार्ट, मैंने ही इस खीरे को ढूंढा, मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुमने ढूंढा। खैर छोड़ो ये सब, अभी मैं इसको तोड़ती हूँ। वाह ये कितना ब्यूटीफुल है, चलो इसको खाते हैं। अरे मेरे लिए तो रुक जाओ। चलो इतने मुश्किल से खाने को तो कुछ मिला, चलो इसको खाते, बहुत ज्यादा टेस्टी दिख रहा है। हाँ कुछ भी बोलो, ढूंढना तो मैं नहीं है, मैं नहीं रहता तो तुम इसे खा भी नहीं पाती। अगर मैं नहीं रहती ना तो तुम नीचे गिर जाते। अच्छा वो सब छोड़ो, जल्दी से खा लेते हो, मुझे तो भूख लग रही है बहुत जोर से। कितना ज्यादा टेस्टी है ये तो। मेरा भी बहुत ज्यादा टेस्टी है, तुमसे ज्यादा टेस्टी है। कितना ज्यादा टेस्टी है। मैं तो खाने के बाद में जंगल घूमने जाऊंगी, बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलो बहुत खाना खा लिए, अब चलो जल्दी से जंगल वंगल घूम के आते हैं। क्या मैं फिर से जंगल में नहीं जाऊंगा, मुझे तो खाने के बाद बहुत ज्यादा नींद आती है, मैं तो जा रहा हूँ सोने। यहाँ पे इतनी ज्यादा धूप आ रही है, मैं तो आराम से सोऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। ये है तो बेवकूफ, लेकिन ये मुझे फोटो खींचने में काम आएगा, इसको लेके ही जाना पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे जंगल में अगर अकेले रहोगे ना तो शेर वेर आ जाते हैं। क्या शेर? नहीं। जैक, क्या तुम मेरे साथ में बैडमिंटन खेलोगे? हाँ मैं ये लड़कियों वाला गेम नहीं खेलता, पहले चलो जंगल में ही चलते हैं, ये लड़कियों वाला गेम खेलने से तो अच्छा है कि मैं जंगल में ही चला जाऊँ। बैडमिंटन खेलने का मेरा कितना ज्यादा मन था। खैर छोड़ो, बैडमिंटन बाद में ही खेल लेंगे हम लोग, चलो चलते हैं, मेरे पीछे आओ बस तुम।
अरे रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। वाह, ये इतना सुंदर सा पेड़ है, इसके साथ ना मेरी एक फोटो क्लिक करो तुम। क्या मैं कोई कैमरा मैन हूँ जो मुझसे तुम फोटो क्लिक करवा रही हो? हाँ, वैसे भी तुम आए किस लिए हो, फोटो ही तो क्लिक करने आए हो। चलो ठीक। चलो जैक, बहुत हो गए सेल्फी, अभी आगे भी तो घूमना है हमें। वाव, ये रोज का फ्लावर कितना ज्यादा खूबसूरत है। चलो इसी के साथ मैं फोटो क्लिक करवाती हूँ। अमरुद के पेड़ पे आई हूँ और ये एक जंगल में हमें एक अमरुद का पेड़ मिला, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। देख सीजिए, सो गाइस, अभी हम लोग पूरा जंगल घूमकर आ चुके हैं और यहाँ पे भी मतलब थोड़ा सा रात टाइप का हो रहा है, मतलब शाम हो चुकी है और रात होने लगा है और हम लोग जंगल के एकदम बीचों बीच में आए हैं। तो गाइस, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, आप लोग तो समझते हो कि मुझे थोड़ा जंगल में डर लगता है, मुझे जंगल से एक फोबिया है, डर लगने का फोबिया। हाँ, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं है, छूटे कहीं के। तुम जानती नहीं हो, मैं बचपन में जंगल में खो गया था ना, तब से मुझे डर लगने की फोबिया है, मुझे जंगल में बहुत ज्यादा डर लगता है। अच्छा ठीक है महाशय, तुम शांत रहो थोड़ी देर, मुझे बोलने तो सही। अरे हाँ हाँ बोल लो, मैंने तुम्हारा जबान रोक कर थोड़ी ना रखा है। बेवकूफ, कहेंगे तुम शांत रहोगे तभी तो मैं बोल पाऊंगी। अरे हाँ हाँ, अब मैं शांत तो ही हूँ, तो हूँ, अब तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने फेस पे फेविक्विक लगा लूँ? तुम कुछ भी करो, बस शांत रहो, एक मिनट, बस एक मिनट के लिए मुझे थोड़ा सा बोलने तो दो। अच्छा ठीक है ठीक है, बोल लो। हाँ तो गाइस, अभी हम लोग जंगल में गए थे तो हमें ये एक फ्लावर मिला, रोज का फ्लावर, जैसे कि हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। सो खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं और शाम हो चुकी है जैसा कि मैंने आपको बताया और रात होने वाली है, तो जंगल में बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है और हमें थोड़ा सा डर लग रहा है। गाइस देखो, सोफिया को भी डर लगता है। हाँ गाइस, मुझे भी थोड़ा बहुत डर लग रहा है क्योंकि हम लोग अभी जंगल में हैं और तो आई थिंक हमारा 24 आवर्स मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएगा जंगल में, तो आई एम सो सॉरी, ये फर्स्ट चैलेंज है जिसमें हमने क्विट किया है एंड आई एम रियली रियली सॉरी। हाँ गाइस, इससे पहले कि रात हो जाए हम अपना बोरिया बिस्तर लेकर और चले जाते हैं, यहाँ से बहुत दूर है हमारा घर। या गाइस, हमारा घर यहाँ पे बहुत दूर है तो अभी हमने यहीं पे क्विट कर दिया और आई एम सो सॉरी, बट चैलेंज में तो हार जीत तो रहता ही है, तो फर्स्ट टाइम हम हारे हैं, तो खैर छोड़िए और